उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में मानसून की दस्तक के साथ प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मानसून सीजन शुरू हो चुका है, साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश के अलर्ट भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर स्लाइडिंग जोन है वहां लगातार खतरा बना रहता है, उन पर JCB तैनात कर दी गई है ताकि सड़कों को समय पर खोला जा सके, क्योंकि जनपद आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील है। सभी विभागों और नोडल टीमों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पे कई ऐसे रूट पॉइंट्स हैं हमारे जनपद में जो यात्रा मार्ग में भी पड़ते हैं, जहाँ पर पहले लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं। वहाँ पर हमने मशीन्स और ऑपरेटर्स को तैनात किया हुआ है ताकि अगर लैंडस्लाइड होती है तो उसको तत्काल खोला जा सके। इसके साथ ही जो ट्रैक रूट पे करीबन ऐसे 10 से 12 पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पत्थर गिरने की घटनाएँ हो सकती हैं या जिससे यात्रा मार्ग बाधित हो सकता है, तो वहाँ पर भी हमने लेबर, क्योंकि वहाँ मशीन नहीं जा सकती, तो लेबर तैनात कर दिए हैं और उनका सत्यापन और निरीक्षण लगातार चालू है।